रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने पिछले साल 900 से ज्यादा करोड़ की कमाई की। इस वक्त रणबीर के पास कोई बड़ी फिल्म नहीं है। एक तरफ वो रामायण की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके हाथ सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म धूम 4 में रणबीर कपूर की एंट्री हो गई है। साल 2004 में आई धूम में जॉन अब्राहिम, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के साथ आदित्य चोपड़ा ने धूम रिलीज की थी। शानदार रिस्पॉन्स मिला। धूम 2 में विलन के तौर पर ऋतिक रोशन दाव खेला गया। धूम 3 आई और खलनायक के किरदार आमिर खान नजर आए। कमाल की बात है, ऋतिक रोशन और आमिर खान की फिल्म धूम बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। बीते काफी समय से धूम 4 की काफी चर्चा हो रही है। धूम 4 के लिए काफी नाम सामने आए थे, काफी बड़े नाम सामने आए थे, लेकिन रणबीर कपूर के हाथ ही धूम 4 लग गई है। रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर कपूर को धूम 4 में लीड रोल में कास्ट किया गया है। पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही है। आदित्य चोपड़ा को लगता है कि धूम की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए रणबीर कपूर ही सही होंगे। धूम 4 में रणबीर कपूर नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। माना यह भी जा रहा है इस फिल्म में पुराने एक्टर नहीं होंगे। अभिषेक बच्चन, आदित्य चोपड़ा की जगह दो नए चेहरे को कास्ट किया गया है। इस फिल्म में शाहरुख खान, सनी देओल और ईशा देओल का नाम भी सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा ने विजय कृष्णा आचार्य उर्फ विक्टर को धूम 4 के लेखक और निर्देशक के रूप में चुना है। दोस्तों आपको बता दें, कुछ रिपोर्टों में सनी देओल और शाहरुख खान के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। अभी तक धूम 4 में सनी और शाहरुख का क्या किस रोल में नजर आएंगे कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है सनी देओल और शाहरुख खान महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाले हैं इस फिल्म का। धूम 4 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। कहा तो जा रहा है 2027 तक दिवाली के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, क्या सनी शाहरुख धूम 4 का हिस्सा होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। इसके साथ ही सनी देओल कई फिल्मों का हिस्सा है। जल्द ही सनी देओल लोहर 1947 से पर्दे पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सनी देओल साउथ की फिल्म SDGM नामक मूवी की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट में 8 से 10 फिल्में शामिल हैं। इसके साथ ही सनी देओल आने वाले दिनों में और भी कई प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड और बॉलीवुड की दुनिया से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।